हेलो डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। कक्षा दसवीं व्यवसाय अध्ययन का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये सेकेंड पार्ट है। इसके पहले मैंने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को पहले पार्ट में सॉल्व करवा दिया है। ये दूसरा भाग है ना। इसका जो पहला भाग का वीडियो लिंक आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, है ना, आपको ये मिल जाएगा। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, है ना। असली ओरिजिनल पेपर से इसको लिया गया है, 100% जो है ये आएंगे। अब आप लोग कमेंट करेंगे कि सर इसके पहले वाले में नहीं आ पाया था। उसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि उस समय मेरे पास असली ओरिजिनल मॉडल पेपर जो है नहीं मिल पाया था किसी कारणवश। इस वजह से बाकी विषय के क्वेश्चन आंसर शायद नहीं कम आए होंगे। और दूसरी बात बता देना चाहता हूँ कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक ही प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। जैसे इसकी विशेषता बताइए, इसके लाभ बताइए, इसके हानि बताइए, तो उसको आपको समझकर लिखना होता है, ठीक है। तो आइए 21 में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 है, व्यावसायिक संगठन के साझेदारी स्वरूप की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो पहला विशेषता है दो से अधिक सदस्य। साझेदारी व्यवसाय के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अनुबंध, जब भी हम साझेदारी शुरू करते हैं तो एक दूसरे के साथ जो है समझौता अनुबंध बॉन्ड पेपर बनाते हैं। वैध व्यवसाय, साझेदारों को सदैव वैध व्यवसाय चलाने के लिए ही एक साथ कार्य करने चाहिए। तस्करी, काला बाजारी इत्यादि को कानून दृष्टि से साझेदारी व्यवसाय नहीं माना जा सकता। लाभ विभाजन, प्रत्येक साझेदारी फर्म का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय से होने वाले लाभ को तय किए गए अनुपात के अनुसार बांटना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न को हमको रटने की आवश्यकता नहीं है, अपने तरीके से भी लिखना सीखना होगा। क्योंकि जब आप अपने तरीके से लिखना सीखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट और लाभ होना है। अथवा संयुक्त पूंजी कंपनी की सीमाएं बताइए। तो सीमा होना, दोष होना और हानि होना, है ना, मैं लिख कर दिखा देता हूँ। ये तीनों एक ही चीज़ होता है। ये जो सीमा है और ये जो दोष है ना, या जो हानि है, ये तीनों चीज़ें एक ही होता है। यदि पेपर में हानि लिखी आएगा तो भी आप इसी लिखेंगे, दोष लिखने आएगा तो भी लिखेंगे, सीमा लिखने आएगा तो भी लिखेंगे। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, ये इसको समझा कर लिखा गया है, है ना। इस प्रकार के संगठनों के निदेशक तथा प्रबंध के अन्य सदस्यों के व्यक्तिगत लाभ के अधिकार अवसर रहते हैं, क्योंकि वे कंपनी की आर्थिक स्थिति से वाकिफ रहते हैं तथा उसके अनुसार अंश खरीद व बेच सकते हैं। प्रश्न 22 है, सड़क परिवहन के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। जो सड़क में गाड़ियाँ चलती है वही सड़क परिवहन है। परिवहन यानी कि यातायात के जो साधन होते हैं, ट्रक है, रेल है, बस है, कार है, ठीक है, ये सभी जो है साधन है। प्रांतीय राजमार्ग, ये राज्य और भीतर व्यापारिक सवारी यातायात के मुख्य आधार होते हैं। जिला सड़कें, ये सड़कें बड़े गांव एवं कस्बों को एक दूसरे से जोड़कर रखता है। ग्रामीण सड़कें, ये सड़कें गांव इलाकों को आपस में जोड़कर रखती है। अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, ये जो है विश्व बैंक की सहायता से एशिया प्रशांत आर्थिक सामाजिक आयोग के साथ किए गए समझौते के अधीन बनाए गए। विभिन्न प्रकार के भंडार गृहों का वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पर भंडार गृह यानी जो सरकारी, जैसे हम लोग धान बेचते हैं दोस्तों, किसान लोग, उसको एक भंडार गृह में रखा जाता है, सरकारी भंडार गृह में, है ना, तो इसी को भंडार गृह कहते हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला तो सार्वजनिक भंडार गृह है, है ना। इन भंडार गृहों का उपयोग सभी लोगों के द्वारा किया जा सकता है। इसका संचालन किराया दरें सरकार के द्वारा तय की जाती है। निजी भंडार गृह, ये जो है स्वयं का होता है, यानी कि किसी कोई व्यक्ति जो है एक बड़ा सा भंडार गृह बनाकर रख सकता है दोस्तों। सरकारी भंडार गृह, सरकारी भंडार गृह जो है सिर्फ सरकार के अधीन होता है, सरकारी संस्थाओं के द्वारा संचालित होता है। गैर शाब्दिक संप्रेषण के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो दृश्य संप्रेषण है, श्रव्य संप्रेषण है, सांकेतिक संप्रेषण है, ये सभी जो है गैर शाब्दिक
गैर शाब्दिक का अर्थ क्या होता है, बिना बोले सिर्फ इशारे से बात करना, जैसे हम किसी को इशारा करके उंगली करके से बुला लेते हैं, आंखों से इशारा करके सीटी बजा के, है ना, इस प्रकार से बिना कुछ बोले ही, है ना, हम उसको कई बार जो है घंटी सुनकर समझ जाते हैं कि हमको हमारी छुट्टी हो गई या हमको बुलाया जा रहा है ना। तो ये सारे जो है गैर शाब्दिक संप्रेषण के प्रकार हैं। डाक सेवाओं में पिन का क्या उद्देश्य है, आपने देखा होगा दोस्तों जब हम लेटर लिखते हैं या किसी को अपना एड्रेस बताते हैं तो पोस्टल पिन भी बताते हैं, जैसे हमारे रायपुर का है 492001, ठीक है, तो यही पोस्टल एड्रेस है, एड्रेस पिन है। यदि हम पोस्टल एड्रेस पिन सही डालते हैं दोस्तों तो लेटर हम तक जल्दी पहुंच जाता है और शीघ्र पहुंचता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 24 और 25 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक पर 5 अंक निर्धारित है। किसी बैंक में बचत खाता खोलने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये वर्णन निम्नलिखित है दोस्तों, देख लीजिए, आवेदन पत्र भरना। जब हम बैंक में खाता खोलने जाते हैं दोस्तों तो वहाँ से हमको एक फॉर्म मिलता है जिसको आवेदन फॉर्म कहते हैं, इसको तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरते हैं, दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाते हैं, है ना, अपना नाम पता लिखते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड इत्यादि को संलग्न करते हैं और एक परिचयदाता व्यक्ति से साइन लेते हैं और अपना नमूने का हस्ताक्षर पेश करते हैं, परिचय पत्र देते हैं, सब सारा चीज़ लिखा हुआ है। इसके बाद ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण से क्या अभिप्राय है, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। तो इसके आंसर है दोस्तों, नोट कर लीजिए, ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण के निम्नलिखित है, पुनः अभियंत्रण लाभों में वृद्धि, उच्च श्रेणी का सामर्थ्य तक पहुंच, तीसरा है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। 25 प्रश्न है, इंटरनेट फुटकर व्यापार से आप क्या समझते हैं। तो इंटरनेट फुटकर व्यापार का अर्थ होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन करना। जैसे कि मैं व्यापारी हूँ, अपने सामानों का लिस्ट एक वेबसाइट में डाल देता हूँ, जैसे मेरे चैनल का नाम है एस बी ऑनलाइन क्लासेस, तो मैं एक वेबसाइट बना लेता हूँ sbonlineclasses.com करके। आप उसके बाद आप मेरे कोई चीज़ बेचना है, मोबाइल जैसे कंपनी है, मेरा मोबाइल कंपनी है, तो मैं मोबाइल का कुछ लिस्ट वहाँ पर डाल दूँगा, कुछ मॉडल डाल दूँगा और इसको ग्राहक जो देखकर आकर्षित होकर मुझ तक संपर्क करेगा और ऑनलाइन माध्यम से ही मुझसे खरीद लेगा। तो यही जो है इंटरनेट फुटकर व्यापार कहलाता है दोस्तों। अब इन्हीं बातों को यहाँ लिखा गया है, आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद है, अथवा विभिन्न प्रकार की स्थायी दुकानें तथा फुटकर व्यापार की दुकानों की तुलना कीजिए। तो ये इसका तुलना है, नोट कर लीजिए। स्थायी दुकान क्या होता है, बहुत बड़ा एक स्थायी दुकान होता है। जैसे मेरा मोबाइल, मैं मोबाइल का दुकान का बहुत बड़ा एक शॉप खोल लेता हूँ, तो उसमें फुटकर व्यापार आकर मेरे से मोबाइल खरीद लेता है, ठीक है, तो स्थायी दुकान है। और फुटकर व्यापार इससे छोटा दुकान होता है, लेकिन सभी चीज़ों को रखते हैं, फुटकर वाले सारे चीज़ों को एक साथ रखते हैं, जबकि स्थायी दुकान एक ही प्रकार के सामान को रखते हैं। चूड़ी वाला है तो सिर्फ चूड़ी रखेगा, टीवी वाला है तो सिर्फ टीवी रखेगा, यही स्थायी दुकान है। 26 और 27 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, विज्ञापन के माध्यमों का क्या अर्थ है, विज्ञापन के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के बारे में बताइए। तो विज्ञापन यानी कि आपने देखा होगा कि टीवी में फिल्म चलते चलते विज्ञापन दिया जाता है, इसी के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों। तो रेडियो, रेडियो इसका प्रमुख साधन है, आज गांव के लोग जो है रेडियो में सुनते हैं। टेलीविज़न में आप देखते हैं हर सीरियल के बीच में एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, विज्ञापन दिया जाता है। इंटरनेट, रेडियो विज्ञापन क्या है, इसके लाभ और सीमा का मूल्यांकन कीजिए, है ना। तो यहाँ पर रेडियो का लाभ और सीमा लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 27, उपभोक्ता के विभिन्न अधिकारों को समझाइए। उपभोक्ता यानी कि कस्टमर होता है, कस्टमर के बहुत सारे अधिकार होते हैं दोस्तों, जैसे सुरक्षा का अधिकार है, दूसरा सूचना पाने का अधिकार है, तीसरा चुनाव करने का अधिकार है, चौथा सुने जाने का अधिकार है,
पांचवा निवारण का अधिकार है। इसके बाद अथवा है उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को समझाइए। जैसे मैं कहीं दुकान गया, मैंने एक टीवी खरीदा, आप आने के बाद पता चलता है कि उसमें पूरा डुप्लीकेट माल जो है लगा हुआ है, अंदर में टीवी दो दिन के बाद ख़राब होते जा रहा है। हम बार बार वहाँ दुकान में जाके रिप्लेस करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो रिप्लेस नहीं कर रहा है। तब हम यहाँ पर उपभोक्ता फोरम में चले जाते हैं और उसका शिकायत दर्ज कराते हैं। दोस्तों यही जो है उपभोक्ता शिकायत का निवारण की प्रक्रिया है, इसी को एक्सप्लेन किया गया है। अब इस चीज़ को आप लोग सभी जानते हैं, मोबाइल दुकान वाला मोबाइल दे दिया, आप दूसरे दिन वो मोबाइल चल नहीं रहा है, ख़राब हो गया, तो आप तुरंत जाते हैं। यदि मोबाइल वाला उसको रिप्लेस नहीं करता गारंटी देने के बावजूद भी, तो आप उसके खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये जो है उपभोक्ता फोरम का कार्य होता है। तो यहाँ पर 5 प्रतियों में जमा कराई जाती है। दोस्तों क्या क्या लिखा जाता है इसमें, आवेदन में देख लीजिए, उसी का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार व्यवसाय अध्ययन कक्षा 10वीं के सारे क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं दोस्तों, है ना। इसका इंग्लिश मीडियम इसके जस्ट बाद आपको मिल जाएगा, और इस सारे प्रश्नों को आपको पढ़ के जाना होगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न फंसने वाले हैं।